अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंतखाबी इजलास 3 और 4 जून 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ, जिसमें हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 5वें सदर मुंतखब हुए। हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मुंतखब हुए। मोहतरम जनाब सादतुल्लाह हुसैनी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मुंतखब हुए। हजरत मौलाना मोहम्मद बिलाल हुसैनी नदवी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। हजरत मौलाना यासीन अली उस्मानी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। और मोहतरम जनाब कासिम रसूल इलियासी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मुंतखब हुए। और मोहतरम जनाब कमाल फारूकी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुआवन तर्जुमान मुंतखब हुए। तमाम हजरात की खिदमत में दिली मुबारकबाद। VMK न्यूज़ एंड व्यूज़ की तरफ से पेश करने में बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए कौम मुल्क के अच्छे काम अंजाम देगी। खुदा हाफिज़। फी अमानिल्लाह।